गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा 2BHK स्पेशियस फ्लैट। ईच फ्लोर हैज टू फ्लैट्स, एक फ्लैट इस तरफ और एक फ्लैट इस तरफ, और दो लिफ्ट भी है, पावर बैकअप भी है और बेसमेंट में कार पार्किंग है। ठीक है, लॉबी देख लीजिए कितना स्पेशियस है। आपकी ठाम आपके सामने देखिए 2BHK का एंट्रेंस। ये फिलहाल तो ये एंट्रेंस साउथ फेसिंग है, बट आप इसे ईस्ट फेसिंग यहाँ बना सकते हैं। बहुत लोगों ने बना दिया है नीचे ऊपर, अगर आप आएंगे विजिट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये साउथ फेसिंग है, बट आप ईस्ट फेसिंग यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे आपका डोर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए। ठीक है, अभी हम एंटर करते हैं। एंटर करते ही सामने एक छोटा सा पैसेज आता है और ये रहा आपका लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस देखिए, स्क्वायर शेप में लिविंग स्पेस है। बहुत ही रेयरली लिविंग स्पेस ऐसा मिलता है स्क्वायर शेप में। आजकल के टाइम में तो एक रेक्टेंगल नहीं तो एल शेप में मिलता है, जो कि ज़्यादा मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा था ईस्ट फेसिंग, तो डोर आपका यहाँ बनेगा, तो डायरेक्ट आप एंटर यहाँ से कर सकते, तो आपका ईस्ट वेस्ट फेसिंग हो जाएगा। तो ये आपका आ गया स्क्वायर शेप लिविंग स्पेस। ठीक है, और ये है लिविंग स्पेस में अटैच बालकनी है, जो कि 6x4 की बालकनी है, 6 फुट लंबाई और 4 फुट चौड़ाई है। ठीक है, ये आपका किचन हो गया। किचन देख लीजिए, किचन में फ्लावर बेड दिया गया है। किचन के बगल में मास्टर बेडरूम है। ठीक है, अटैच बाथरूम देखिए, और ये बेडरूम है, फर्स्ट बेडरूम जो कि मास्टर है। स्पेस इसका कुछ 12x10 के आसपास इसका स्पेस है, 120 स्क्वायर फीट का ये बेडरूम है। मास्टर बेडरूम के ठीक सामने कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। यहाँ पे ड्राई स्पेस दिया गया, देखिए और ये रहा कॉमन बेडरूम, और यहाँ पे है एक बड़ी सी बालकनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग शिवरेखा प्रॉपर्टीज़।